साथ सबसे बड़ी खबर की सलमान खान की हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को आज मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश होना है। आज उन पर कोर्ट में आरोप तय करने पर फैसला हो सकता है। मामला 2002 का है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग जख्मी हुए थे। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चल रहा है। इसके पहले शुक्रवार को 19 जुलाई को सलमान खान कोर्ट में पेश हुए थे और उस दिन कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अगर सलमान इस केस में दोषी पाए जाते हैं तो सलमान को 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो सलमान खान के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि सलमान खान का होगा क्या। आपको बता दें कि इसके पहले जब 19 जुलाई को कोर्ट में हाजिर हुए थे सलमान खान, उस दिन भी कोर्ट ने यह कहा था कि जिस दिन नए सिरे से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा उस दिन भी, यानी कि आज भी कोर्ट में मौजूदगी सलमान खान की बेहद जरूरी है और इसीलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि 10:30 बजे के आसपास सलमान खान अपने घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद वो सीधे कोर्ट का रुख करेंगे। हिट एंड रन केस में अब तक क्या कुछ घटा है वह भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 19 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। निचली अदालत आज तय करेगी आरोप, यानी कि आज का दिन सलमान खान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं, हालांकि मामला अभी लंबा खींचेगा, लेकिन दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा यानी कि 10 साल तक की जेल सलमान खान को हो सकती है। 2002 का यह पूरा का पूरा मामला, सलमान पर 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था। बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी सलमान खान ने, जिसमें एक की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। कई लोगों की गवाही इस पूरे मामले में दर्ज की गई। हालांकि कई बार जो अभियोजन पक्ष है उसकी ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि दरअसल सलमान खान पूरे मामले को अपने रसूख की वजह से प्रभावित भी कर रहे हैं। मुंबई पुलिस उनके साथ मिली हुई है और इसी वजह से इतना ज्यादा लंबा यह पूरा का पूरा मामला खींच रहा है। लेकिन आज का दिन सलमान खान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आरोप तय होंगे। गैर इरादतन हत्या का केस उनके ऊपर चलेगा और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि सलमान खान अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अपने घर से बाहर निकलेंगे और सीधे वो कोर्ट का रुख करेंगे। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को आज मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश होना है। आज उन पर कोर्ट में आरोप तय करने पर फैसला हो सकता है। यह पूरा मामला सन 2002 का है। सलमान पर आरोप लगा था कि उन्होंने बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। फोन लाइन पर अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सलमान खान कोर्ट कब तक पहुंचेंगे? देखिए चित्रा, करीबन 11 बजे का वक्त दिया गया है। 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और 11 बजे के वक्त सलमान खान कोर्ट पहुंच सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा था जब कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त सलमान खान करीबन 15 से 20 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, यानी करीबन 10:30 बजे के आसपास ही कोर्ट पहुंच गए थे। तो आज भी उम्मीद हम कर सकते हैं कि बरसात मुंबई में तेज हो रही है, तो हो सकता है कि सलमान खान जल्दी पहुंच सकते हैं, घर से जल्दी निकलेंगे ताकि रास्ते में अगर ट्रैफिक की समस्या हो तो कोर्ट में आने में उनको देरी ना हो, इसलिए 11 बजे के पहले ही कोर्ट में आने की उम्मीद सलमान खान की है। आज आज का दिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है सलमान खान के लिए? क्या कुछ होगा कोर्ट में आज अभिषेक? देखिए सलमान खान के लिए आज महत्वपूर्ण इसलिए बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाने वाले हैं, क्योंकि जब पिछली बार जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई थी उस दौरान तमाम जिरे हुई थी, उनके वकीलों द्वारा कहा गया था 304(2) लगाया गया है, वह गलत लगाया गया है, उसके तहत मामला नहीं चलना चाहिए और वही सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया था कि नहीं 304(2) ही लगाना है और गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और गैर इरादतन हत्या का मामला अगर साबित होता है तो 10 साल की सजा कम से कम सलमान खान को हो सकती है। और इसी बात को लेकर आज कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि इनके ऊपर चार्ज फ्रेम किस किस धारा के तहत करने हैं और कौन कौन से चार्ज इनके ऊपर लगाए जाने हैं, क्योंकि जो जिस दिन पिछली बार जब पिछली कार्रवाई को जब इनके ऊपर मामला हुआ था उस वक्त जब कार्रवाई हुई थी और जो जिरह हुई थी उसमें फैसला आएगा और कोर्ट यह भी तय करेगा कि क्या आज चार्ज फ्रेम करने हैं या फिर चार्ज फ्रेम करने के लिए। लिहाज से आज का दिन सलमान खान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और हमने देखा